भाई फाइनली वी आर बैक। ब्लॉगिंग कर रहे हैं? हाँ आ जा आ जा। अरे चलो भाई, हो गया अपने को 1 साल से ऊपर, ठीक है, अपने कॉलेज में। तो और वापस आ गया मेरे को और ब्लॉग के साथ। 1 साल लगा दिया मैंने वीडियो डालने में, अब क्या करे भाई। थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था मेरे को पहले तो 1 साल का, कि क्या क्या हो रहा है अपने कॉलेज में, क्या सीन क्या है। तो पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस तो मैं एक वीडियो में तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो जितना मुझे अभी तक लगा है उसके हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर तो तुम इस मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगा भाई, ऑप्शन इतना कुछ खास है नहीं, मतलब ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मतलब तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अभी फिलहाल अपने कॉलेज के रास्ते जा रहे हैं, साफ सीधी बात है कि अगर तो देखो तुम्हें बीसीए कर रहे, जैसे मैं बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है, तो डीयू तुम्हारे लिए ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एमसीए होती है। तो अगर तुम्हें बीसीए करनी है तो तुम जरूर चुन लो ये वाला कॉलेज। मेरे ख्याल से तो ठीक है, मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है वैसे, सारी कॉलेज में सेम सीन है, ज्यादा बेकार भी नहीं होते, ज्यादा अच्छे भी नहीं होते, ठीक है। तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, ठीक है। टीचर्स भी एवरेज ही है, इतने कुछ खास टीचर तुम्हें ना मेरे कॉलेज में मिलने वाले हैं ना बाहर के कॉलेज में, तो ठीक ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर देख रहे हो तो ये ठीक है, बाकी तो देखो आगे चलते हैं। अब सीधा कैंपस के अंदर पहुंचते हैं और वहां के बच्चों से जानेंगे कि क्या सीन है भाई, उनको कैसा लगता है ये कॉलेज। कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, उनसे भी पूछताछ कर लेंगे। बाकी अभी के लिए आगे चलते हैं। चलो भाई आ गया अपना कॉलेज, थोड़ा सा और चलना है, एंट्रेंस के पास पहुंच जाएंगे हम अपने। और एक कार्ड देख रहे हो भाई, कार्ड ये दिखा के पूछना पड़ता है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं जो, उनको तो बेसिकली अपना जो फी रिसिप्ट होती है ना उनकी, वो दिखानी पड़ती है। और बाकी जिनका आई कार्ड जब बन जाता है उनको आई कार्ड दिखाना होता है, वरना ये लोग एंट्री नहीं देते भाई, बहुत चोचले करो तब जाके एंट्री मिलेगी। अच्छा आगे से जो, एक सेकंड जूम करके दिखा दूंगा, वहां से जो गली मुड़ रही है ना वो ग्राउंड है एक्चुअली, ठीक है। ये आ गया अपना एंट्रेंस, चलो पहले अंदर चलते हैं। अच्छा ट्रैफिक थोड़ा सा रहता तो यहाँ थोड़ा देख के चलना पड़ता है कभी कभी। मेरी एंट्री अपनी, चलो भाई आ गया अपना कैंपस। जो ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये तो है हमारा बेसिकली जो रिसेप्शन काउंटर होता है वो, एक तरह से मान लो जहाँ तुम्हारा मेन है। और ये जो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना बड़ी सी, ये है लॉ वाली बिल्डिंग। यहाँ जितने भी लॉ वाले बच्चे आएंगे उनके लिए ये बिल्डिंग है, काफ़ी चमकदार, अंदर से काफ़ी साफ सुथरी है भाई, मैनेजमेंट वालों से तो ज़्यादा अच्छी। और ये जो राइट साइड वाली बिल्डिंग है, ये है मैनेजमेंट की बिल्डिंग, मतलब इसके अंदर सारे बीबीए, मतलब जितने बाकी बच्चे खुचे कोर्स है ना एलएलबी को छोड़ के, सारे यहाँ भर डाले, ये देख लो। और ये इतना अंदर है ना भाई, वो एक ये बिल्डिंग देख लो और एक ये बिल्डिंग देख लो। अच्छा पीछे कैंटीन भी था, उसमें बाद में चलेंगे, अभी के लिए सामने चलते हैं। एकदम सामने तो भाई पानी पूनी पीने का लगा रखा है। ये है भाई अंदर का सीन, धीरे धीरे भाई अपना हर सेमेस्टर रूम चेंज होता है, कभी कोई कभी, मतलब एक ही बिल्डिंग के ऊपर नीचे करते रहते हैं लोग, कभी फर्स्ट फ्लोर कभी सेकंड फ्लोर कभी थर्ड फ्लोर। अपने सेमेस्टर की जो क्लास है वो कर दी है 203 या 2 कर रखी है शायद से,
पता नहीं, लेट्स चलते हैं पहले। इसके अंदर एक तो भाई लंच टाइम तो हो गया ओवर, और हमारा बीसीए वालों का लंच टाइम होता है करीब 12 से 12 बज के हो जाता है आराम से लंच टाइम अपना, ठीक है। तो अभी के लिए तो फिलहाल चलते हैं कैंटीन, तुम लोगों को कैंटीन दिखा देता हूँ। कैंटीन नहीं देखी है तुम कॉलेज की, देख लो। भाई लोंडे बहुत शर्माते हैं भाई व्लॉग में आने के लिए। कैंटीन चलो, ये भाई कैंटीन अपनी, कैफेटेरिया नाम लग रखा है। नहीं भाई भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, पहली बता दो। ये देखो भाई कैंटीन का सीन है अपने, भीड़ी भीड़ भीड़ी भीड़, ओहो। पर ये रहा भाई मेन्यू अपने, देखो यहाँ का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, और वो नॉर्मली ज़्यादातर कैंटीन में प्राइस थोड़ा बढ़ाकर ही रखते हैं, पर मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का जो खाने का क्वालिटी है वो थोड़ा ठीक है, अच्छा है, मतलब बाहर से अच्छा है। तो तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी बाहर के स्टॉल्स भी लगते हैं, बाहर भी स्टॉल्स लगते हैं तो वहाँ से ले सकते हो। तुम ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से कैंटीन से ही लेना, बाहर जाके भी खरीद सकते हो। भाई ये था अपने कॉलेज का मेन्यू, बाकी पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, तो क्योंकि कुछ खरीदते हैं और फिर उसके आगे का वीडियो बनाते हैं। देखो भाई ये जो है ये अपने हमने मंगाया, ठीक है, मोमोज है। एटलीस्ट यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी बेटर है बाहर से, तो अगर लंच नहीं लाते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा, इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और रीज़नेबल प्राइस ही है, ठीक है। ये पूरी कैंटीन है, ज़्यादा बड़ी कैंटीन भी नहीं है, तो सीट पहले ही हड़पनी पड़ती है, दिक्कत ये है यहाँ की बस। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी है, गाड़ी है क्या? चला इतने दिन आया है माउंटेन ड्यू पी के साथ। चलो भाई तुम लोगों को एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारे सारे गम भुला दोगे तुम, ठीक है। कॉलेज का प्राइस देख के चालू कर दिए इसको, कॉलेज का प्राइस देख के अगर तुम्हारा थोड़ा लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया तो सही जगह पे आप पहुँचोगे जहाँ पे तुम्हें खाने पीने का अच्छा खासा मिल जाए, मतलब एटलीस्ट पेट भरने लायक तो रहेगा ही, वरना ये अपनी पीढ़ी से भूख मिटा लेता है, लाइन काट दिया नहीं। ये देखो भाई आगे दुकान अपनी, ठीक है, ये है वो जगह, यहाँ पर तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा भाई, खाने पीने का, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब मिलेगा। ये हमारी छाया देवी है सामने, और हाँ जैसा तुम देख सकते हो तुम सुट्टे भी पूछ सकते हो यहाँ पे। भाई देखो हमने तो पीने के लिए ड्यू मंगा ली थी यहाँ पे, क्योंकि मतलब गर्मी हल्की थी तो रिफ्रेश होने के लिए काफ़ी सही रहता है। बाकी यहाँ पे और भी खाने पीने का मिल जाता है, जैसे समोसा वगैरह भी मिल जाता है इधर कभी कभी, तो तुम देख लो भाई तुम्हारे को जो अच्छा लगे वो तुम यहाँ से ले सकते हो। देखो भाई ये है अपने कॉलेज का ग्राउंड, ठीक है, आना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आना है, फिर राइट मुड़ना है और ये गेट दिखेगा तो समझ जाना कॉलेज का ग्राउंड है, या यूँ कह सकते हैं कि कॉलेज वाले इसे ग्राउंड कहते हैं, हालांकि है पार्किंग है।
लोग के लिए सही है क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी जमीन प्लेन कर दी, हमारे टाइम पे यहाँ पे सिर्फ मिट्टी थी। अभी तो फोर्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ है तो अब पहले दिन में इतनी कुछ लोग दिख नहीं रहे यहाँ पे, वरना यहाँ पे झुंड दिख जाता है आराम से। कुत्ता बिल्ली का जो भी है इसके जो एकदम आगे, एकदम जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ यहाँ पे तुम लोग अपनी अगर गाड़ी वाड़ी ला रहे हो तो वहीं पार्क करनी है। उसके अलावा अगर तुम्हारे बाप का रोड है तो तुम रोड पे भी पार्क कर सकते हो। बाकी बस वगैरह अवेल ना ही करना, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि प्राइस सुन के तो तुम वैसे भी नहीं करने वाले, और प्राइस सुने बिना तुमने कर लिया तो तुम रिग्रेट करोगे। तो इससे बढ़िया है कि भाई DTC का यूज़ करो। 850 500 5 महीने। हाँ बाद ये देखो पीछे पूरी वो बिल्डिंग दिख रही है, ये ग्राउंड है, कुछ खास होता नहीं है ग्राउंड में, ये सिर्फ घूमने के लिए बना रखा है। अब तुम्हें पार्किंग में ले चलते हैं। जितना भी फेस्ट होगा जो कुछ भी होगा सारा इस खाली ग्राउंड में होता है, उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है बाइक छाव में खड़ी कर ये जो पीछे देख रहे हो ये है पूरा एरिया पार्किंग का है। ठीक है यहाँ सारी गाड़ियाँ वगैरह तुम्हें सब दिख जाएगा। तो साफ सीधी बात ये है कि तुम्हें देखो अगर सही में इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वो ले लो यार। क्योंकि देखो ये कॉलेज ना सही बताओ तो इस मामले में, अगर मैं ग्राउंड वगैरह के मामले में बात करूँ तो सिर्फ बड़ा है, यहाँ होता कुछ भी नहीं है। फेस्ट वगैरह हो जाएगा, NSS NCC का हो जाएगा। अच्छा जिन लोगों को NSS NCC के बारे में नहीं पता उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। तो अभी के लिए तो मैं देखो कोशिश करता हूँ कुछ बच्चों को पकड़ूँ, उनका उनसे पूछूँ कि कॉलेज कैसा है, जिससे तुम मेरे अलावा उनका रिव्यू ले सको, क्योंकि बायस नहीं होना भाई अपने को। तो लेट्स सी भाई। तो जैसा मैंने कहा था कि बाकी लोगों का भी ओपिनियन लेंगे, सिर्फ मेरा ओपिनियन बायस लगेगा काफ़ी, तो बाकी लोगों का भी ओपिनियन लेते हैं। भाई ये है ईशांक, ठीक है मेरी क्लास का ही लड़का है। तो अच्छा सबसे पहला सवाल ये कि तू कॉलेज को क्या रेटिंग देगा 10 के स्केल में? रेटिंग भाई माइनस में है क्या? लिख लो भाई लिख लो, 7 7 7। ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का भाई? पार्किंग तो ऊंची नीची है, और ये देख लो भाई दरवाजे ऐसे, दीवारों का पेंट उड़ा हुआ है, ये कैमरा है पर वो चलता नहीं है, ठीक है। और ये देखो इतनी बड़ी क्लास की इतनी छोटी घड़ी लगा रखी इन गरीबों ने, 150 रुपये की होगी चांदनी चौक से, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। और टीचर्स के बारे में क्या कहेगा? टीचर भाई लट्टू की तरह है, कोई कोई चल जाता है कोई कोई नहीं चलता। मतलब ठीक ही ठीक है ठीक है ठीक है, किस्मत पे कौन मिला। और जितने भी लैब्स वगैरह हैं भाई, कंप्यूटर तो खराब पड़े इनके, ठीक है सारे चांदनी चौक के सिस्टम लगे हुए हैं, 50 रुपये का कीबोर्ड है, अबे कैलकुलेटर चला रहे हैं कंप्यूटर के नाम पे। चलो भाई एक और बंदे का रिव्यू ले लेते हैं। हेलो गाइस, भाई कट कर देना इसको, कट कर देना भाई वीडियो क्यों कट कर देना। अच्छा नाम बताओ। मेरा नाम है समर। ओके तो तुम्हारा क्या ख्याल है इंफ्रास्ट्रक्चर? पहले तो मेन होना चाहिए कॉलेज में ग्राउंड, ग्राउंड के नाम पे पार्किंग दी है इन्होंने, इतनी गंदी पार्किंग, जंगल है वो पूरा। मैंने कहा था पार्किंग खराब है। और एक है तो जिम है भाई, जिम हमेशा बंद रहता है। मैं तो सोच रहा हूँ एक सरदार को पकड़ के लाऊंगा, चाबी बनाऊंगा उसकी और एक चाबी रख लेंगे अपने पास। जिम बंद रहता है, जिम हमेशा बंद, स्टार्टिंग में बोला था जिम खुला रहेगा कभी भी करो। और टीचर्स के बारे में क्या कहें? टीचर्स थोड़ी थोड़ी ठीक है, टोला देखा रहेगा तो भाई इनकी बॉडी देख लो। टीचर्स थोड़ी थोड़ी ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठीक है ठाक है टीचर। भाई ये था रिव्यू, मैंने तो बोल दिया था। अच्छा तो बाकी लोगों को क्या रिकमेंड करोगे कि उनको लेना चाहिए एडमिशन? बिल्कुल भी नहीं भाई, मत लो अपना, मेरी मेरी चले जाओ, बहुत मजा है। एडमिशन लेने का ऑप्शन मिले और गाड़ी के सामने मरने का ऑप्शन मिले तो तुम अच्छी वाली गाड़ी के सामने मरना। जिंदगी बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं, पर FIMD को मत चुनना। बिल्कुल भी नहीं भाई। तो भाई देखो ये था रिव्यू, ठीक है तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है टीचर्स ठीक ही ठाक है, मतलब बाकी तुमने रिव्यू तो खुद ही देख लिया, अब इसमें कोई बायस रिव्यू तो था नहीं। तो यही था व्लॉग, बाकी घर पहुंच के मैं तुम्हें थोड़ी सी और चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए तो ओके।
तो ये था भाई कॉलेज मेरा और मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनका रिव्यू। बाकी तुमने देख लिया कि भाई कॉलेज कैसा है, ठीक है। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है कॉलेज, ठीक है, मतलब कि जब बीसीए करने की बारी आ रही है जैसे, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो तुम डीएसयू में जाओगे, ठीक है, अगर दिल्ली की बात हो रही है अभी करेंटली, ठीक है, या तो तुम डीयू में तो है नहीं, आईपीयू में करोगे या तो अप्लाई, या डीएसयू में करोगे, ठीक है। तो आईपीयू में अगर तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है और फिर ये कॉलेज अलॉट हो रहा है तो ले लो यार, क्योंकि फिर और कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर तुम्हें एक साल ड्रॉप लेकर अगले साल दोबारा सीईटी देना होगा जिससे तुम बेहतर कर सको, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे घर के पास पड़ रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो हर कॉलेज का सीन ये है, कुछ कॉलेज दिखने में अच्छे होंगे पर वहाँ ज़रूरी नहीं कि वहाँ पढ़ाई भी अच्छी हो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स कोई रिलेटेबल तो है नहीं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसका मतलब ये तो है नहीं कि टीचर भी अच्छे होंगे। तो डिपेंड करता है यार। देखो अब जो ये है, क्या नाम है, महाराजा सूरजमल जो कॉलेज है उसका कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है, पर वो हर साल टॉप नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो हर साल ही उसके बच्चे टॉप कर जाते हैं, तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ना तो तुम्हें खुद से ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, पढ़ना तो तुम्हें खुद से पड़ेगा। और जो भी कोर्स ले रहे हो सही से पढ़ो भाई, आराम से निकलता है, कुछ नहीं होता ज़्यादा कॉलेज में। ये स्कूल वाली जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें अटेंडेंस की भी कोई दिक्कत इतनी नहीं लेनी है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार चले जाओ बहुत होता है भाई। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, और बाकी किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए तुम्हें तो बता देना। मैं जो करंटली फ्यूचर का जो मेरा प्लान है वीडियो डालने का, वो एक तो मैं डालूंगा कि एनसीसी और एनएसएस क्या होते हैं कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो एडमिशन होता है उसके लिए, मतलब किस किस तरह से अप्लाई करना होता है, कब डेट्स आती हैं, कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दिल्ली के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो। बाकी कॉलेजेस का मैं वीडियो नहीं डाल रहा, बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं अपने को, मतलब अपने पूरे दिल्ली एनसीआर में। सो तब तक के लिए